ना यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड, ना इधर से ना उधर से। मेरा आपसे निवेदन है, निवेदन हाथ जोड़ कर कहीं तो मैं पांव पड़ जाऊं, लेकिन लेकिन स्थितियां ये है कि आए दिन यह दुर्घटना कारण होगा। ये बातों को मैंने समझ है ना, आपकी बातों को मैंने समझ लिया है। अभी मैं हूँ रीवा जिले के अधीनस्थ गढ़ से, और नई गढ़ी जो मार्ग है उसकी स्थितियां मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत बेहतर एक नंबर की रोड है, अभी हाल में ही बनी है, लगभग दो वर्षों हो गए हैं। स्थितियां ये हैं, इस सड़क में आप गढ़ से और नई गढ़ी के बीच में जाएंगे तो लगभग ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर स्थितियां ये है कि इस तरीके से रोड में, सड़क में इस तरीके से गिट्टियां और इस तरीके से बालू देखा जाता है, जिसके वजह से आए दिन दुर्घटना का शिकार हर कोई ना कोई वाहन कर्मी होता रहता है। लेकिन स्थितियां ये है कि ना यहाँ के ग्रामवासी और ना यहाँ के प्रशासन, हालांकि प्रशासन का मैं इसमें दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन हर वक्त हर कार्य हर गांव का निरीक्षण नहीं कर सकता है, लेकिन स्थितियाँ ये हो जाती है कि हमारी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आखिर ऐसे ग्रामीणवासी इस तरीके से सड़कों में गिट्टियाँ और बालू क्यों रख देते हैं। आखिर इसके बाद जब घटनाएँ होती हैं, और घटना से पहले बात बता दूँ, ना यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड, ना इधर से ना उधर से, ये टू लेन की रोड है और टू लेन की रोड में आधी लेन पूरी तरह से भरा हुआ है। इस तरीके से आप क्लिपियों देख सकते हैं, कई जगह की तस्वीरें हैं। स्थितियाँ यह है कि देखिए अभी देखते हैं, बहुत बढ़िया आलीशान बगला बन रहा है, लगभग मैं कहूं ये 20 लाख रुपए खर्चा इसमें लगा होगा, लेकिन यहां पर जो मकान मालिक जो बनवा रहे हैं उनके माध्यम से यहां पर गिरवा तो दिया गया, लेकिन उनके पास 1 से 2 हजार रुपए इकट्ठे नहीं हुए कि इसको कम से कम लेबर के माध्यम से थोड़ी दूर हटवा दें। यह दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता हुआ यहां पर यह मकान जो मालिक है, मकान मालिक से हम सीधे बात करना चाहेंगे कि आखिर यह जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को आखिर यह जो दुर्घटना कारण है इसको कब तक हटवाया जाए। ये सर, ये कौन सा गांव है यहाँ पर? ये मिश्रा गांव कहलाता है, यानी सिगटी आसपास दोनों है, मिश्रा और बेला। अच्छा, ये बेला है, यानी ये इधर मिश्रा है, आगे चल के आप देखें, यानी ये सिगटी का लोकेशन कह सकते हैं। हाँ हाँ, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम चक्रधर प्रसाद शुक्ला। ये बताइए सर कि ये लगभग कितने दिनों से ये आपका मकान बन रहा है? ये पानी गिरने के पहले से, बरसात के पहले से बन रहा था, और क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ था नाली में इधर, इस कारण से ट्रक उधर नहीं जा पा रहे थे, इस कारण से मैंने गिरवा दिया इसको। 2-4 दिन में हम इसको हटवा देंगे। कितने माह हो गए होंगे सर यहाँ रखे हुए? अरे मुश्किल से ये जो ऊपर वाली बीम पड़ी है ना, मुश्किल से 15-20 दिन हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है, निवेदन हाथ जोड़ कर कहीं तो मैं पांव पड़ जाऊं, लेकिन लेकिन स्थितियां ये है कि आए दिन यह दुर्घटना कारण होगा। ये बातों को मैंने समझ है ना, आपकी बातों को मैंने समझ लिया है, इसको 1-2 दिन में मैं हटवा लूंगा लेबर व्यवस्था। तो चलिए मैं इसी उम्मीदों के साथ यहाँ से जाऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग, मैं मानता हूं आपकी मजबूरी हो सकती है कि सड़क के अलावा कहीं भी रखने के लिए, यानी गिट्टी बालू जो होता है रखने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन आपसे मैं बारंबार निवेदन करना चाहता हूं, सड़कों को कम से कम खाली रखिए, सड़कों में इस तरीके से बालू और गिट्टी न रखें, क्योंकि ये दुर्घटना का कारण होता है। कोई बेजुबान से लेकर के कोई वाहन का चालक और किसी के घर का चिराग बुझना जैसी स्थितियां भी ऐसे स्थिति में हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब रात के वक्त जब गाड़ियाँ चलती है, वाहन चलते वक्त ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं होता है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता है, ऐसी स्थितियों में ये दुर्घटना होना तय हो जाता है। तो मैं ये मकान जो मालिक है इसे मैं निवेदन भी किया हूँ, शायद उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर ये हटवा लेंगे तो शायद एक बड़ी दुर्घटना जो होगी उससे कहीं कहीं बचाया जा सकता है। ऐसी तस्वीरों को लेकर के आप क्या राय है आप कमेंट करके बताना भी ना भूलेगा, और अगर ऐसी तस्वीरें आपके आस पास मिलती है तो आप एक बार ऐसे हाथ जोड़कर उनसे निवेदन कर लीजिए कि हो सकता है दुर्घटना होने से पहले ही आगाज हो सके, और दुर्घटना होने से पहले ही एक दुर्घटना बड़ी दुर्घटना को बचा सकता है। इसी साथ देखते हैं पिटपट टीवी, मेरा सवाल, जय हिंद।